तो आप देख सकते कितना सुंदर घर है ये। इट्स अ ब्यूटिफुल बंगलो, बहुत अच्छे से बनाई, आप देख सकते हैं यहाँ पर, लुक एट दिस। और प्लांटेशन भी बहुत अच्छा किया हुआ है, लाइक ग्रीनरी सब जगह पे। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा घर है। ये इनका घर है, ये तो बहुत अच्छे से रखा है, देख सकते हैं आप सब जगह पे कितना ग्रीनरी है पूरा। एंड जब ही आपको वेलकम करने के लिए इतने सारे कलरफुल फ्लावर्स और प्लांट्स यहाँ पे लगाए हुए, आप सोच सकते हैं कि इसमें ये मेंटेन करने को कितना मेहनत लगता रहेगा। अपने घर में बॉम्बे में सिटी में गैलरी में हम चार पौधे लगाते हैं, उसको भी पानी नहीं डाला जाता है, लेकिन ये यहाँ पे इतना अच्छा रखा हुआ है पूरा। ये देख सकते हैं आम के भी पेड़ है यहाँ पे, तो मैंगो सीजन में आएंगे तो बहुत सारे आम खाने मिलेंगे, बैठना ना आम पे भरपूर। तो गाइज अभी हम पहुंचे हैं वड़खल नाका। वड़खल नाका वो जंक्शन है जहां से यू टेक अ लेफ्ट फॉर गोवा एंड यू गो स्ट्रेट फॉर अलीबाग। बट अभी नया रोड बन चुका है, जो वड़खल बाईपास है वो पूरी तरह से बन चुका है। तो वड़खल बाईपास पे आपको ऊपर जाना नहीं होता है, अगर आप ऊपर जाएंगे तो यू गो टूवर्ड्स कोकट, यू गो टूवर्ड्स शिपलो, यू गो टूवर्ड्स गोवा, लेकिन अलीबाग जाने के लिए आपको नीचे से आना है। तो वड़खल नाका पे अभी हम रुके, यहाँ से अलीबाग इज ओनली 24 किलोमीटर्स, गाइस ओनली 24 किलोमीटर्स, हम काफ़ी आगे आ चुके हैं एंड वी आर दिस क्लोज नाउ। से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पे, एग्जैक्टली गिना जाए तो 8 किलोमीटर रहेगा। नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट जंक्शन है, इट्स लाइक अ टाउन आउट हियर। एंड आप देख सकते हैं कि इट इज 11:30, 11:30 बज रहे दिन के, तो बहुत धूप है अभी, बहुत धूप है। सो वी आर फीलिंग थर्स्टी अगेन एंड अगेन, अभी हम पानी पीने के लिए यहाँ पे रुके, सो वी विल ड्रिंक वाटर, वी विल रीफिल आवर कैंटीन्स, पूरा वापस भर लेंगे एंड विल वॉक इट फॉर द टूवर्ड्स। अभी हम लोग इधर पे कारले खिंड के बिगिनिंग में जो एक डैम है, डैम का नाम क्या है? तीन वेरा। तो तीन वेरा डैम है इधर, तो तीन वेरा डैम च्या तिथे आपण आता मस्त पैकी लिंबू सरबत, एकदम एक नंबर लिंबू सरबत बनवतात। सो ये लिंबू सरबत पियेंगे, देखो मस्त एकदम सब्जा वाला है। ठीक है सर क्या अगर गाइस, तो ये जो बोर्ड है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सीधे अगर आप जाएंगे तो कारले खिंड है, इसको कारले खिंड बोलते हैं, सीधे अगर आप जाते हैं तो यू गो टू अलीबाग, अलीबाग काशिद मुरुड जंजीरा ये सीधा जाना है। एंड इफ़ यू टेक अ राइट देन यू गो टू मांडवा, उसके बाद रेवस, देन थर्ड एंड हशिवरे। तो जो रोरो बोट्स आप देखते हैं अभी नया नया सर्विस चालू हुआ है, दैट इज़ फ्रॉम मांडवा, और हमें जाना है रेवस। तो रेवस इज 18 किलोमीटर, रेवस से वी आर गोना कैच अ फेरी, वहाँ से करंजा, करंजा से अगेन वी विल बाइक राइड टू कामोटी। सो विल टेक अ राइड फ्रॉम हियर टूवर्ड्स रेवस। जिस चीज़ के लिए हम आए थे वो चीज़ ठीक मेरे पीछे है, नहीं ये पेड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, सो समुंदर, द अरेबियन सी इज राइट बिहाइंड मी, आपको दिखा दूंगा अभी थोड़े टाइम में। एंड अगर मौका मिला तो विल गो एंड टेक अ डिप। वी हैव रिडन 80 किलोमीटर्स सो फार। अब यहाँ से जो रेवस बंदर है, रेवस जेटी है, वो हार्डली लाइक 4-5 किलोमीटर्स, तो वहाँ से वी विल कैच अ फेरी, फेरी से हम जाएंगे करंजा, करंजा से अगेन वी विल राइड बैक होम। Thank you.
सो गाइज दिस इज रेवस जेटी. तो रेवस जेटी पे नाउ वी हैव गॉटन ऑन द फेरी. अभी ये साइकिल्स भी डाल दिए हम लोग ने अपर डेक पे. जो मोटरसाइकिल्स भी यहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं, मोटरसाइकिल्स नीचे वाले डेक पे जाते हैं आपके. सो पड़वल कैसा लग रहा है आपको? और चिकन कैसा था? चिकन लपेटा. करंजा जो कि उड़न में आता है. एंड यू कैन सी जेटी राइट बिहाइंड. और 10 मिनट ही लगे रेवस से करंजा आने के लिए. एंड एक बंदे की जो टिकट है ऑन द फेरी इट इज़ 20 bucks. और बाइक अगर ला रहे हो, बाइक चलाना कितनी, बाइक अगर आप लेके आ रहे हो तो 100 rupees आपको देना है. और साइकिल अगर आप लेके आ रहे हो यू डोंट पे एनीथिंग. So, start riding bikes. I mean bicycles. करंजा में यहाँ पे आपको बहुत फ्रेश फिश मिलेगा. ये देखिए आप प्रॉन्स देखिए. आता चिता नहीं है, बगल आगे तुम्हारे. एकदम फ्रेश. क्या क्या? आता चिता है मुझे. 15 मिनट. तो अभी विनोद ने यहाँ पे मोटे अभी टाइगर प्रॉन्स, एक्चुअली आप उसको लॉबस्टर बुला सकते हो, इतने बड़े बड़े प्रॉन्स लिए. ब्यूटिफुल एकदम, बहुत अच्छा फ्रेश प्रॉन्स लिए. शाम भी हो गई है. इट्स ऑलमोस्ट अबाउट टू बी डार्क. ये देखिए आप पीछे सनसेट आप देख सकते हैं. तो अभी सनसेट होने वाला टाइम है. एंड नाउ लेट मी टेल यू दैट हम सुबह 5 बजे निकले हुए थे, तो अभी 5 बज के हो चुके हैं. तो 12 घंटा हम लोग का राइड हो गया है. एक्चुअली बहुत स्टॉप्स थे, बहुत सारे धीरे धीरे हमने किए, बहुत आराम से किया. ऑल्सो वी हैव क्रॉस्ड द 100 mark. तो 100 किलोमीटर हम लोग का हो गया. और 100 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद कुछ दो चार किलोमीटर आगे, लाइक 104 किलोमीटर्स और समथिंग वी गॉट दिस लिफ्ट. तो ये लिफ्ट लिया हमने एंड नाउ वी आर हेडिंग होम. सेंचुरी राइड कंप्लीट हो चुकी है. सो टुडे वी डिड 120 किलोमीटर्स, बट 120 किलोमीटर्स से 15 किलोमीटर्स जो है वो हमने लिफ्ट ली थी. एंड वो लिफ्ट का हमें बहुत फ़ायदा हुआ. तो यहाँ से कुछ 2 किलोमीटर पे हमको छोड़ा था, उसके बाद वापस से राइड करके आए. तो इन शॉर्ट वी रोड 105 किलोमीटर्स एंड 15 किलोमीटर्स का लिफ्ट. सो इट वॉज़ अ वंडरफुल जर्नी. हम बाय रोड गए. बाय रोड जाने के बाद जब रेवस पहुँचे तभी हम वाटर ट्रांसपोर्ट से आए. वाटर ट्रांसपोर्ट के बाद हमने फिर से राइड किया एंड देन वी टुक अ लिफ्ट. तो जब भी हमने लिफ्ट लिया तो ओपन टेम्पो था, तो ऑलमोस्ट हम हवा में थे. सो वी वर ट्रैवलिंग बाय, तो तीनों मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑलमोस्ट हमारे हो गए. सो इट वॉज अ गुड राइड. सी यू. 12 घंटे से ज़्यादा हो गया था, आप देख चुके हैं. नाउ आई एम नॉट दैट टायर्ड, बट मज़ा आ गया राइड.